बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स क्लास 9, आज हमारा केमिस्ट्री टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स सब शेल्स। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो सब शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। व्हाट आर शेल्स? शेल्स ऑर्बिट एनर्जी लेवल्स, दे मीन द सेम। दीज आर द पाथ्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो पाथ्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दूज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स और एनर्जी लेवल्स। वी कैन यूज ऑल दीज थ्री वर्ड्स फॉर दीज पाथ्स। सो शेल्स मे बी के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन। और न्यूमेरिकली के शेल को हम शेल नंबर 1 बोलते हैं और एल को शेल नंबर 2, एम को शेल नंबर 3 और एन को शेल नंबर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, लाइक दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो पहला शेल है दैट इज के शेल और शेल नंबर 1। तो दूसरा शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं दैट इज एल शेल और ऑल्सो न्यूमेरिकली शेल नंबर 2। एंड इन द सेम वे द थर्ड शेल इज अल्फाबेटिकली शोन बाय एम, कैपिटल एम, और जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज शेल नंबर 3 एंड सो ऑन। सब शेल्स आर स्मॉलर रीजन्स इनसाइड शेल्स और ऑर्बिट्स। ये शेल्स या ऑर्बिट्स के अंदर छोटे एरियाज होते हैं, स्मॉल रीजन्स होते हैं। एस पी डी एफ, देर आर 4 सब शेल्स। एस स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी एंड एफ, मीन्स देर आर 4 सब शेल्स इन इनसाइड शेल्स। ओके, नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन अ गिवन शेल? 2n² इज द फार्मूला विच इज यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल। यानी एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर शेल की एन वैल्यू, ये एन वैल्यूज है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, दे आर एन वैल्यूज। अगर एन वैल्यू 1 है मीन्स ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इस फार्मूले में एन की वैल्यू पुट करें 2 × 1² तो 1² 1 1 1 is 1 एंड 1 2 1 2 are 2। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ई नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन फर्स्ट शेल। इन सेकेंड शेल पुट वैल्यू 2 हियर, एन वैल्यू सेकेंड शेल के लिए 2 है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन सेकेंड शेल। इन थर्ड शेल 3, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड? 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन थर्ड शेल। सो दिस फार्मूला टेल्स यू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन गिवन शेल। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं, तो फार्मूला यूज करें 2n² 2 4 square, एन वैल्यू इज 4 फॉर फोर्थ शेल, 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन फोर्थ शेल। नाउ ईच सब शेल हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट दे कैन अकोमोडेट। एस सब शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब शेल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सब शेल कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स, वाइल एफ कैन अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स। यू मस्ट मेमोराइज देम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन सब शेल? फॉर एग्जाम्पल पी, पी कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स।
सिक्स से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, सिक्स से कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते. दीज आर द मैक्सिमम एकोमोडेशन कैपेसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द गिवन सब शेल्स. मैक्सिमम ये इलेक्ट्रॉन्स हम इन सब शेल्स में प्लेस कर सकते हैं, इनसे कम हो सकते हैं. मतलब डिपेंड करता है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स कितने अवेलेबल हैं. आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हम डिफरेंट सब शेल्स में रख सकते हैं या हमें रखने की ज़रूरत है. सो दिस वॉज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेल्स, सब शेल्स. And now we will perform some, we will do some examples. But before doing these examples, you must be able to know about a rule or a principle that is used for placing electrons in different subshells during electronic configurations of different elements. There is a rule for placing electrons in different subshells, which is called of Bov rule, of Bov principle or of Bov rule. एक साइंटिस्ट था जर्मन, ऑफ बॉव. इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स शुड एंटर लोअर एनर्जी subshells first. इलेक्ट्रॉन्स पहले उन सब शेल में इंटर होते हैं जिन सब शेल्स की एनर्जी कम होती है, एज द केस ऑफ लेडर. ओके, सो कीपिंग इन अकाउंट दिस पैटर्न, 1s इज लोवेस्ट सब शेल इन एनर्जी, 1s की एनर्जी सबसे कम है, 2s दूसरे नंबर पे है, 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d एंड सो ऑन. सबसे कम एनर्जी 1s की है, इसलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन 1s में डालेंगे. अगर हमें एक एलिमेंट दिया जाए, उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर हमें दिया जाए, तो हमें एटॉमिक नंबर से पता चलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एलिमेंट के पास. एटॉमिक नंबर रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट. तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए जाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को आपने प्लेस करना है डिफरेंट सब शेल्स में. तो ये पैटर्न हमें याद होना चाहिए. You must memorize this pattern. Okay? ये आपको क्रैम करना होगा. You must be able to know about this pattern. Now, we will try to put electrons in these different subshells, taking into consideration the maximum capacity of these subshells. इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स में हम नहीं डाल सकते. ओके, सो नाउ फॉर एग्जांपल, वी आर प्रोवाइडेड एन एलिमेंट हीलियम. सबसे पहले हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं. हाइड्रोजन ऊपर मास नंबर होता है और नीचे एटॉमिक नंबर होता है. एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है. तो 1s 1 एस, पहले हम एस को फिल करेंगे. हाइड्रोजन के एस में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, लेकिन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए हमने इधर एक इलेक्ट्रॉन शुरू किया. ठीक है, हालांकि एस की कैपेसिटी है दो इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन इसके पास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसलिए हमें दो लगाने की जरूरत नहीं है. हाँ, जो हीलियम है 4 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है. तो 1s 2, एस में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. अब हम लिथियम पे जाते हैं. लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s 2, तीनों इलेक्ट्रॉन एस में नहीं समा सकते हम. इसके बाद आएगा 2s का नंबर है, तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो 2s में जाएगा, 2s1.
यस, पहले को हमने कंप्लीटली फिल किया 1s को, तो 2s के लिए एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह गया, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास 3 है, तो 2s1 रह गया, बस आगे खाली है, आगे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है नहीं, तो इनको ड्रा करने की जरूरत नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये ड्रा करने पड़ेंगे। उसके बाद है बेरिलियम, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, ये फुल हो गया, अब 2s का नंबर है, 2s कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचते हैं, 2, तो दोनों को आप s में एकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि s कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, तो 1s2 2s2 ओके। अब हम बोरान पे आएंगे, 5, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन s में आ गए, 1s में, 2s2 2 इसमें आ गए, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम s में नहीं रख सकते, तो जो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन आपने प्लेस किए, आपके पास टोटल 5 हैं, तो नेक्स्ट 2s के बाद कौन आ रहा है, 2p, 2p में आप इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे, तो 2p के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हमारे पास, 1 रह गया, वही 1 शो करेंगे, हालांकि p की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड बाय p, लेकिन अब अवेलेबल आपके पास 1 है p के लिए, तो आपने p में रख लिया, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन 1s और 2s पे आपने डिवाइड किया। फिर कार्बन है 6, 1s 2 2 हो गए, 2s 2 4 हो गए, 2p 2 6 हो गए, पी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रह गए आपके पास, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो गए। नाइट्रोजन है इसके बाद, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p 3, पी के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रह गए आपके पास, 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन आपने रख लिए। अब है ऑक्सीजन, 8 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 रह गए आपके पास, 2s2 2 इसमें आ गए, 4 आपने प्लेस किए, अब मजीद आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s के बाद कौन है, 2p, यानी इस पैटर्न को हमने फॉलो करना है, 2p के लिए 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन 4 रहते हैं, तो आपने पी में 4 रखने हैं, मजीद हमारे पास इलेक्ट्रॉन है नहीं कि हम पी में इनको रख सके। ऑक्सीजन के बाद है नाइट्रोजन, फ्लोरीन, 9 एटॉमिक नंबर है इसका, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को आप प्लेस करें, 1s2 2s2 2p 4 आपने इधर रख लिए, 5 रहते हैं, यस, p5। उसके बाद है नियॉन, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 1s2 2s2 2p6, यस, 1s2 2s2 2p6। तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स, किस तरह हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट सब शेल्स में, 1s में 2, 2s में भी 2 और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह हम आगे जाते हैं, बढ़ते हैं, इन द सेम में सोडियम आता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स, कैसे हम प्लेस करेंगे, 1s2 2s2 2p6, 10 आ गए, अब 2p तो फुल हो गया, बिकॉज p कैन एकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 से ज्यादा आप p में नहीं रख सकते, तो जो बाकी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो आपने अगले सब शेल में प्लेस करना है, अगला सब शेल 2p के बाद कौन है, 3s, तो आपने 3s में एक इलेक्ट्रॉन डालना है, क्योंकि आपके पास टोटल 11 है, 2 टू 4 6 10 प्लस 1 11, इस तरह मैग्नीशियम है 12, 1s2 2s2, आप कॉमा भी डाल सकते हैं, ये लेसर देन दिस, लेसर वाला जो सिंबल है ये भी आप डाल सकते हैं, तो यू कैन यूज बोथ ऑफ देम, 2s2 2p6 3s2 12 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो गया। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं, हम आखिर में कैल्शियम पे आ जाएंगे, कैल्शियम इज 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s के बाद 3p है, 3p6, टोटल कितने हो गए, 2 टू 4 6 10 12 प्लस 6 18, 18 आपने रख लिए इलेक्ट्रॉन, टोटल 20 है, तो 2 आपके पास रहते हैं, तो 3p फुल हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3p के बाद 4s है,
तो 4s 2 हो जाएगा। यस 4s 2। कैल्शियम तक आपको आना चाहिए, अप टू कैल्शियम। इससे आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अप टू 4s यू शुड फील दीज डिफरेंट सब शेल्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स एंड इन दिस वे होपफुली यू वुड हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बव प्रिंसिपल, इट्स डिफिनेशन, द पैटर्न, एंड अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न you I think you would have learnt how electrons are filled in different subshells of given elements. Up to calcium you must be able to know the atomic numbers of elements. Calcium tak aapko atomic number ka pata hona chahiye, hydrogen se lekar calcium tak ye kitne ban rahe hain, 20 elements ban rahe hain, 20 elements ke atomic number aur electronic configuration aapko clear hone chahiye. So next हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको मैं करवा देता हूँ। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर टू एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो वी विल स्टडी सम क्वेश्चंस, लुक एट द एमसीक्यूज फर्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Question number 1 of exercise, review questions. Encircle the correct answer. Number 1, according to Bohr's atomic model, each orbit has fixed energy, so each orbit is called sub-energy level. Hamesha yaad rakho, jab pehla option aapko theek lage ya galat lage, kisi bhi surat mein, aapko aage jana hai. ऑप्शन बी सी डी, सारे ऑप्शंस को देखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार ये भी ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए भी ठीक हो और बी भी ठीक हो और आगे सी या डी में लिखा हुआ बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो बच्चे जल्दी में क्या गलती कर जाते हैं कि वो ये समझ लेते हैं कि बस ठीक है ऑप्शन ए ठीक है मेरा, बस आगे बी और सी और डी को देखना भी नहीं है, तो इस तरह वो गलती कर जाते हैं। तो आपने सारे ऑप्शंस को रीड करना है, उनको समझना है, विच वन इज़ राइट विच वन इज़ रॉन्ग। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप देखिए आप जस्टिफाई कर सके, ए ऑप्शन ठीक है क्यों ठीक है, बी गलत है क्यों गलत है, जस्टिफाई व्हाई अ गिवन ऑप्शन इज़ राइट और रॉन्ग। तो इससे फिर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, आप गलती नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सी, लाइट इज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट। डी, फर्दर नहीं है, दिस इज रॉन्ग, द फार्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस, फर्दर नहीं है फादर, फार्दर दूर, फार से निकला है, FAR फार, द फार्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज। देखिए ऑप्शन ए में देखे बोहर का ये प्लस पॉइंट यही था और रदरफोर्ड की फेलियर यही थी। सो डियर स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रिव्यू क्वेश्चंस और एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। बोहर का प्लस पॉइंट यही था कि उसने कहा कि किसी भी ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, सेम होती है, ओके। तो ये पॉइंट ठीक है, लेकिन इसका जो अगला पार्ट है ऑप्शन ए का, उसमें कहते हैं कि सो ईच ऑर्बिट इज कॉल्ड सब एनर्जी लेवल। नो नो नो,
एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल ऑर्बिट या शेल को नहीं कहते, वो सब शेल को कहते हैं। शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटॉल होता है, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो शेल के अंदर सब शेल होता है, एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल होता है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो गलत है। ऑप्शन ए को देखें, ईच ऑर्बिट इज फिक्स एनर्जी, सो ईच ऑर्बिट इज कॉल्ड सब एनर्जी लेवल। तो ये गलत है, ईच ऑर्बिट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। नो, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी जब जितना डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये भी गलत है। सी, लाइट इज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स लोअर एनर्जी ऑर्बिट। नो, लाइट इज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। ऊपर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिक्वायर्ड है, लोअर से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिक्वायर्ड है। ऊपर से जब नीचे आता है इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी रिलीज करता है, तो ऊपर जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। द लास्ट वन, द फार्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। कहते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपके बुक में है, एक्सरसाइज में इसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है। सेकंड देखो, क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स बोथ ऑफ व्हिच हैव सेम मास नंबर। नो, आइसोटोप क्लोरीन का हो जिसका भी उसको उसका मास नंबर सेम नहीं होता। बी देखो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नो, मास नंबर इसलिए डिफरेंट है कि उनमें न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं हो सकते क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है। एंड द डिफरेंस इन मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स इज ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर न्यूट्रॉन नंबर। आइसोटोप्स में कौन सी चीजें सेम होती है? प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, इसलिए मास नंबर डिफरेंट होता है। इसलिए आइसोटोप्स की दोनों डिफिनेशन सही है। आइसोटोप्स कैन बी डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर्स। बिकॉज दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन नंबर विच मेक्स द मास नंबर्स डिफरेंट। तो ये भी गलत है। सी, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नो, मास जब एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन नंबर सेम है, बिकॉज मास एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली प्रोटॉन नंबर। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, इलेक्ट्रॉन नंबर आर सेम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है सारे आइसोटोप्स के, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। थ्री, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एम 1327, यानी एक मेटल है एम, कैपिटल एम इज शोइंग मेटल हियर। सो 13 इज एटॉमिक नंबर एट सबस्क्रिप्ट पोजीशन, 27 इज मास नंबर एट सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन, दे आर। तो कहते हैं कि इनमें न्यूट्रॉन कितने हैं। न्यूट्रॉन को हमेशा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? याद रखो, मास नंबर से हम एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास आ जाता है। तो मास नंबर गिवन है, मेटल का कितना है 27 जो ऊपर लिखा हुआ है, और एटॉमिक नंबर 13 है। 27 से 13 माइनस करें तो कितना बच जाता है? 14। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी में न्यूट्रॉन नंबर जो है दैट इज 14। ओके, नेक्स्ट फोर, विच आइसोटोप इज कंप्लीटली कॉमनली यूज्ड टू इरेडिएट कैंसर सेल्स। या आपने यूजेज ऑफ आइसोटोप्स में पढ़ा है, मैंने आपको करवाया है। कोबाल्ट 60 इज यूज्ड टू किल द ट्यूमरस सेल्स, द कैंसरस सेल्स, कोबाल्ट 60। सी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइव, एम शेल है सब शेल्स। एम शेल में कितने शेल्स सब शेल्स हैं? एम शेल में कितने सब शेल्स हैं? के एल एम यानी थर्ड। ठीक है, तो याद रखो, किसी शेल का जो न्यूमेरिकल नंबर है वो उसके अंदर सब शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो के एल एम यानी थर्ड शेल है, इसमें थ्री सब शेल है, एस पी डी, एफ नहीं है, एस पी डी। एम शेल इज
एट थर्ड नंबर देखिए, के फर्स्ट शेल है, उसकी वैल्यू 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, और एल की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, एम की 3 है, यानी थर्ड शेल है। तो थर्ड शेल में 3 सब शेल्स हैं, सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स हैं, और फर्स्ट शेल में 1 सब शेल है। फर्स्ट शेल में 1 है, एस है सिर्फ, सेकेंड शेल में 2 है, एस और पी, थर्ड शेल में 3 है, एस पी डी, और फोर्थ शेल में एस पी डी एफ, ठीक है। और अभी जो पांचवा शेल है, बच्चे पूछते हैं पांचवे शेल में 5 होने चाहिए, लेकिन पांचवा सब शेल अभी डिस्कवर नहीं हुआ, सिर्फ एस पी डी एफ फोर्थ सब शेल है हमारे पास। तो आगे सारों के पास 4 ही है, के एल एम एन, यानी एन के पास 4 सब शेल्स है। तो एन से आगे जितने भी है उनके पास 4 सब शेल्स ही है, एस पी डी एफ। और टोटल कितने शेल्स हैं हमारे पास अभी तक, क्योंकि 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, तो अभी तक हमारे पास 7 शेल्स हैं। जब 119वां एलिमेंट डिस्कवर होगा, अगर पीरियोडिक टेबल को इस तरह हमने कंटिन्यू किया, तो फिर 8वां शेल जो है डिस्कवर हो जाएगा, और फिर उसके लिए शायद सब शेल भी हम आगे वो भी नया उसको मिल जाए एलिमेंट्स को। तो फिलहाल वी हैव 7 शेल्स एंड 4 सब शेल्स SPDF। ओके बच्चे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर टुडे दिस इज एनफ, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द अदर, वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, गुड बाय।